वेलकम बैक स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान। आज के इस वीडियो में हम लोग द पासिंग अवे ऑफ बापू के यूनिट 1 का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस लेसन के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिए गए सेंटेंसेस को कम्प्लीट करने के लिए सही ऑप्शन को चुनना है। तो सेंटेंस नंबर ए है, गांधी जी हैड बीन शॉट ऑन हिज वे टू, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अ प्रेयर मीटिंग, यानी एक प्रार्थना सभा में जाते हुए रास्ते में गांधी जी को गोली मार दी गई थी। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर बी, द ऑथर केम टू नो ऑफ गांधी जीज डेथ बाय, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अ टेलीफोन कॉल, मतलब लेखक यानी मुसन्निफ ने एक टेलीफोन कॉल के जरिए गांधी जी की मौत के बारे में जाना। सेंटेंस नंबर सी है, व्हेन वन इज फेस्ड विद द शॉक ऑफ अ लव्ड वन्स डेथ वन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विंपर्स, यानी जब किसी इंसान को अपने किसी अजीज अपने किसी प्यारे की मौत के सदमे का सामना करना पड़ता है तो इंसान सिसक सिसक के रोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द चार्ट विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट से जानकारी लेकर के दिए गए चार्ट को भरना है। तो लेफ्ट साइड में नंबर ए है, डेट ऑन विच गांधी जी वाज शॉट डेड, तो इसके सामने हम लोग लिखेंगे 30 जनवरी 1948, यानी 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मार दी गई थी। नंबर बी है, प्लेस वेयर गांधी जी ब्रीथ्ड हिज लास्ट, इसके सामने हम लोग लिखेंगे बिरला हाउस, यानी गांधी जी ने बिरला हाउस में अपनी आखिरी सांसें ली। नंबर सी है, इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द ब्रॉडकास्ट, इसके सामने हम लोग लिखेंगे बापू वाज नो मोर, यानी ब्रॉडकास्ट के जरिए बताया गया था कि बापू अब नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, बताना है कि दिए गए स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। प्रोवाइड सेंटेंसेस और फ्रेजेस और वर्ड्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, और अपने आंसर के सपोर्ट में सेंटेंसेस या फ्रेजेस या वर्ड्स भी लिखने हैं। तो स्टेटमेंट नंबर ए देखते हैं, द ऑथर रिसीव्ड एन अर्जेंट टेलीफोन कॉल इन द मॉर्निंग, मतलब लेखक यानी मुसन्निफ को सुबह के वक्त में एक ज़रूरी टेलीफोन कॉल आया था, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसके सामने हम लोग एफ लिखेंगे। और इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा, आई वॉज हैविंग टी एट होम ऑन द इवनिंग ऑफ 30 जनवरी 1948 व्हेन आई वॉज कॉल्ड टू बिरला हाउस बाई एन अर्जेंट टेलीफोन, यानी मैं 30 जनवरी 1948 की शाम अपने घर पे चाय पी रही थी जब मुझे एक ज़रूरी टेलीफोन के जरिए बिरला हाउस बुलाया गया। नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर बी, पीपल अटेम्प्टेड टू ब्रेक इनटू द बिरला हाउस, मतलब लोगों ने बिरला हाउस के अंदर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ऐसा हुआ था, इसके सामने हम लोग टी लिखेंगे। और इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट में हम लोग लिखेंगे, दे जॉसल्ड वन अनदर इन अ स्टैम्पीड टू ब्रेक इनटू द बिरला हाउस, मतलब लोगों ने भगदड़ में धक्कम धक्का की ज़बरदस्ती बिरला हाउस के अंदर घुसने के लिए। स्टेटमेंट नंबर सी है, द न्यूज़ ऑफ गांधी जीज डेथ डिड नॉट शॉक द पीपल, यानी गांधी जी की मौत की खबर से लोगों को सदमा नहीं हुआ, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसके सामने हम लोग एफ लिखेंगे। और इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट में हम लोग लिखेंगे, दे वेयर टू स्टंड टू स्पीक इन द बिगनिंग, यानी लोग शुरुआत में इतने सदमे में थे, इतने अचंभित थे कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और उनका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूं। इस लेसन के यूनिट 2 का एक्सरसाइज हम लोग क्लास 10 के नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।